टीयर 3 लेवलिटी एंटमैन के साथ हाउ टू क्लियर कैंग द कैंक्रेट वल बॉस लेजेंड। तो यार मैंने सोचा पहले आपको टीप एंड गार्ड कर दूं, फिर बाद में इसका बिल्ड दिखा दूंगा। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं कुछ कैसे मतलब क्यों खेलना है, कैंगो किस लिए खेलना है और कितने मटेरियल मेरे हैं ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका मैच क्लियर करते हैं, पहले करते हैं मेन बात, इसकी टीप एंड फुल गाइड कर दूंगा कौन कौन सा अटैक कर रहे हैं और किस समय पे कितने एच पी। यस इसका जो 60S लिखा रहता है ना, X60 लिखा रहता है ना, मैं उसको एच पी बोलूँगा। ओके 60, तेरे पास कोई और रास्ता है? 60 एच पी अभी है। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले आपको अपने डैमेज वाले कैरेक्टर पे जाना है और अटैक करना है। सबसे पहले तो भाई अटैक करते रहो उसके ऊपर ताकि उसकी जो एच पी है वही वो जल्दी से जल्दी कम हो। ओके एंड यहाँ पे जब ये रह जाएगा 52 या 51 एच पी पे, देखो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 51 एच पी तो इसके जितने भी गार्ड है वो आएंगे एंड ये ऐसे पर्पल अटैक करेंगे। पर्पल अटैक से बचना है। ओके पर्पल अटैक कोई सा भी करे लाइन वाला, उससे बचना है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एंड यहाँ पे फिर अपने अटैक शुरू करो एंड उसकी एच पी खटाओ। एंड यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो यहाँ थोड़ा स्लो मोशन करो, ये ऊपर जब जाए ना भाई दूर भागना, क्योंकि ये जो लाल वाला अटैक है ना इसके अंदर आ गए तो आपका कैरेक्टर ख़त्म, टाटा गुड बाय हो सकते हैं। एंड अभी देखो एक और पल्पर अटैक करेगा, ये सेम टू सेम एक ही टाइम पे करता है, तो 6 से 7 सेकंड के लिए कुछ ऐसा करता है तो दूर रहना, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का रहना। जब ये ऊपर जाए तब, ऊपर जब जाते हैं तब बात करो। एंड ये फिर से अपने अटैक शुरू कर दो। ओके यहाँ पे अपने अटैक शुरू करो और देखो ये ऊपर गया एंड मैं अभी दूर ही रहूँगा जब तक ये पर्पल अटैक नहीं करता है। एंड ये पर्पल अटैक करेगा जैसे, अब मारो क्योंकि पर्पल अटैक के अंदर रहेंगे ना भाई 100% अपना कैरेक्टर वन शॉट होने वाला है, तो इसलिए दूर रहना। एंड मारते रहो, ये देखो 40 HP पे क्या करेगा, ये जाएगा वहाँ पे बीच में एंड हमको उसके एकदम पास रहना कैंक के। एंड जब ये फायर करना है आजू बाजू तो एकदम लास्ट में खड़े होना है। मैंने गलत किया, रुको जरा सब। अब मैं सही करके दिखा दूँ, आयरन मैन के साथ खेल रहा था मैं। देखो यहाँ पे एकदम ऐसे इसके पास में जाना है, चाहो तो कैरेक्टर स्विच कर सकते हो इसके एच पी, देखो एंड एकदम लास्ट में चले जाओ, बस एकदम लास्ट में। देखो मैं कैरेक्टर की एच पी नहीं है लेकिन ये भावेंडर जो थे ना भाई, इसने एच पी ख़त्म कर दी, तो ये भावेंडर से भी बचना है। ओके ऐसे भावेंडर जो काले काले थे उससे बचना एंड फिर अटैक करना शुरू करो अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से। देखो अब अपने कैरेक्टर को स्विच करो एंड अटैक करना शुरू करो, मारते रहो भाई, मतलब उसको एच पी कम करते रहो यार, समझे क्या। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्टेज 1 खेल के बता रहा हूँ क्योंकि स्टेज 1 में ही टिप एंड गाइड देते हैं। हाँ हाई स्टेज प्रो प्लेयर के लिए, जो कि वीडियो के आखिर में बताऊँगा। 30 HP मतलब 30 HP रह गई ना भाई ये दूसरे डायमेंशन में, जैसे अभी 30 HP रह गई थी ये दूसरे डायमेंशन दूसरे वर्ष में जाते हैं, हालाँकि 3 वर्ष में जाते हैं और तीनों वर्ष में आखिर में बताऊँगा। ये देखो ये पहला वर्ष है जो कि पहला डायमेंशन जो भी बोले उसको, इसके नाम पर कहना ये जो ब्लू लाइन है ना भाई इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है। ओके इसके लिए आपको जितनी भी स्किल है वो यूज़ करना है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी अटैक करेगा और सब डायमेंशन में अलग अलग अटैक करता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो बता दूंगा। तो ये ऊपर से जो आँख के कोले फेंके ना भाई, ये लाइन बना रहा है, ये लाइन उसी आँख के कोले पे लगनी चाहिए, 3 आँख के कोले और ये 3 ही लाइन बनाएगा। ओके तो तीनों लाइन उसी आँख के कोले पे लगनी चाहिए, तो ये लगी एंड बस खत्म। एंड फिर से अपने इसकी रोटेशन करो, इसकी जो ऊपर की ब्लू लाइन ना भाई उसको हमको मिटाना है कैसे भी करके, फिर अपने डायमेंशन में वापस लेके जाएगा। तो ये देखो एंड ये फिर अपने वापस से अपने डायमेंशन में वापस लेके जाएगा, इसको डायमेंशन बोलते हैं। तो ये 3 तरह के डायमेंशन, अभी एक बता दिया है ईगोनी माउथ का, अभी 2 डायमेंशन बाकी है। यस ये ईगोनी माउथ के डायमेंशन में लेके गया था हमको एंड फिर से 30 HP थे एंड फिर से अटैक करो, फिर से भाई उसकी एच पी ख़त्म करो कैसे भी करके। और ये थोड़ा ध्यान रखना है, ओके थोड़ा ध्यान से खेलना है समझ के, और चाहो तो कैरेक्टर स्विच करके भी खेल सकते हो, वो आपको पड़े। जैसे मैंने कैरेक्टर स्विच किया था जब दूसरे डायमेंशन में गया था, क्योंकि हमको स्किल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है जब दूसरे डायमेंशन में जाओ, स्किल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। ऐसे नहीं कितनी पावर है, देखो 24 HP दे गई। अब ये एक वेडियंट को बोलेगा भाई नहीं सफिया दो कैंग चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू एक, लेकिन कोई बात नहीं क्लियर कर देंगे। तो दोनों कैंग अटैक करेंगे तो उससे बचना है, और पर्पल अटैक दोनों कैंग करेंगे जब भी पर्पल अटैक करें तो 100% भाई दूर भाग लो उससे, पर्पल अटैक से बचने लाइन वाला हो, क्रॉस हो, गोल हो, कुछ भी देखो दूर भाग लो, क्योंकि पर्पल अटैक भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आपका कैरेक्टर वन शॉट मर सकता है। एंड फिर मारते रहो उसको, मारते रहो, ओके उसको ही मारते रहो। ये जो छोटे मोटे लाल अटैक कर रहे भाई उससे डरने की ज़रूरत नहीं, देखो ये जब वो ऊपर जाए और वो पावरफुल अटैक करे तब बचें, जब ये ऊपर जाता है तब उड़ता है ना जब की बात करो,
एंड देखो ये वाला टैग जैसे मैं आपको बता दिया इसके पास खड़े रहो, फिर ये जब एकदम लास्ट में ब्लास्ट कर एकदम लास्ट में जाके खड़े हो। हालांकि मैं इसमें सही से कर नहीं पाया, लेकिन आपको बता दिया स्टार्टिंग में कैसे किया साइप्लॉक के साथ। एंड फिर मारते रहो, चाहो तो कैरेक्टर स्विच भी कर सकते हो जब ये बीच में जाते हैं, और अपने डैमेज देने कैरेक्टर से मारते रहो उसको। बस भाई इसको अटैक करो, एचपी ख़त्म करो। देखो ये पर्पल अटैक कर रहे ना, थोड़ा सा कितना ज़्यादा एचपी कटी देखे, गलती से अगर मैं ध्यान देखो 8 HP पे ये रुक जाएगा। यस 8 HP पे अभी मजा आएगा ना, पे रुक जाएगा। एंड ये पूरी पावरफुल डैमेज, मतलब जितने भी पावर है वो अटैक करेगा, और बहुत औसम तरीके का इसका एनिमेशन है। एंड ये है देखो, ये जो पर्पल है नीचे दिख रही है, इसके ख़त्म होने तक हमको इसको ख़त्म करना। और ये सेम टू सेम नल की तरह, नल भी ऐसे ही सेम टू सेम करता है जब उसका 7 HP रह जाती है। तो ऐसे देखो लिखा है द फाइनल बैटल, मतलब कि भाई अगर ये लाइन ख़त्म हुई तो आपके कैरेक्टर 3 जिंदा होंगे, तीनों एक के साथ एक ख़त्म। एंड मटेरियल कितने मिलते देखते हैं। व्हाट अबे मटेरियल की क्वांटिटी उतनी की उतनी, और भाई ये क्या है। अब चलो मैं आपको आगे डायमेंशन को बता दूँ। देखो मैंने एक डायमेंशन का बता दी, देखो स्कारलेट विच का डायमेंशन, एक और नहीं मौत को बताया स्कारलेट विच के डायमेंशन में देखो क्या करना है। सबसे पहले तो भाई इसको मैं बोला ना कैरेक्टर स्विच करके अटैक कर सकते हो, ये देखो ये लाइन आई ना इसके बॉक्स के अंदर रहना, हालांकि मैं बहुत गलत तरीके से कर रहा हूँ लेकिन बॉक्स के अंदर रहना है। ओके बहुत मतलब दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा एकदम पहली मतलब कर रहा है। ये देखो ये पर्पल अटैक करें ना तो वो एक क्रॉस बनाता है, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते चार पे मैं अभी खड़ा हूँ। एंड फिर से ये करेगा वही जो बाकी चारों कैंग आएंगे, देखना आसपास देखो ये सब कैंग है, देखो कैसे कैसे मार रहे लेजर लाइट से अपने, ये सब कैंग है समझे। तो अब क्या आप देखो यहाँ पे एक मुंह बनाएगा, देखो चारों तरफ पल पल है लेकिन एक तरफ मुंह है, वहाँ पे खड़े हो जाओ एंड वहाँ से अटैक करो जैसे मैं कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल यूज़ करो, मैं बोला ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी स्किल यूज़ करो ताकि वो ब्लू लाइन ख़त्म हो एंड अपने डायमेंशन में हम मतलब वापस लेके जाएं। ओके तो ये ऐसे ही अपने डायमेंशन में। अब तीसरा जो है और लास्ट वाला है, और तीन ही अभी तक कर पाए हूँ, ओके 15 से 20 मैच खेले हूँ लेकिन तीन ही अभी तक आया है, तो शायद से तीन ही हो। ये है एपोक्लिस का, शायद से एपोक्लिप्सी का है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये ऊपर जाता है और बहुत लेजर लाइट छोड़ते हैं ऊपर बाजू जाके, देखो ये ऊपर बाजू जाके ना भाई लेजर लाइट छोड़ता है। एंड ये जब नीचे है ना भाई अटैक करना शुरू करो, अटैक करो छोटे से छोटी स्किल यूज़ करो, 1 2 3 4 5 जितने भी अच्छा हो तो कैरेक्टर स्विच करके करो या फिर अपने मेन कैरेक्टर से करो। ओके तो ऐसे करो एंड इसका जो ब्लू लाइन है वो ख़त्म करो ताकि अपने डायमेंशन में वापस ले जाए एंड गेम कंटिन्यू करें। तो ये थी कुछ करने। अब भाई मटेरियल कितने मिले ज़रा ध्यान था, ये मटेरियल कितने मिले ज़रा देखते हैं। ओके यहाँ पे लैब 55 है, ओके यहाँ पे देखो TCP जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। ओके इसमें TCP थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है भाई 30 के नीचे नहीं देंगे। अब ज़्यादा देखते हैं हम थैनोस जब क्लियर गए थे, थैनोस का ओके ब्लैक एंटीमी का थोड़ा अच्छा है, और ओके TCP देख रहे हो 39-34 TCP EOD अब थोड़ा सा बूस्ट तो किए हैं। ओके चल गया भाई कैंग को कैसे क्लियर करें। अब चलो बिल्ड देख ले कैरेक्टर को कैसे मैंने बिल्ड किया था। सबसे पहले तो मैंने एंटमैन के साथ खेला, तो एंटमैन की बिल्ड देखते हैं। एंड देखो गमोले लीडरशिप के लिए है यूनिफॉर्म के साथ, लेटेस्ट वाले लेटेस्ट वाला होगा तो चलेगा, नहीं तो ये वाला भी चलेगा। ओके सूरी सपोर्ट के लिए एंड लीडरशिप सपोर्ट ये यूनिफॉर्म के ऊपर रहता है, तो मैं मेन डैमेज वाला कैरेक्टर जो यानी Tier 3 Level 80 एंटमैन जो डैमेज वाला मेन कैरेक्टर है उसका बिल्ड दिखाऊँ। हर उड़ू मतलब दो दो उड़ू मैंने हर चारों में लगाया है, अटैक वाले फिजिकल अटैक के। ओके और HP के कूल डाउन क्रिटिकल डैमेज वो अपने हिसाब से जो कम था एडजस्ट करके लगाए। स्किल 6 लेवल पे सारी स्किल है, टाइप है रैंक 3 पे, ISO 8 है जो वो है ओवरड्राइव एंड फुल अवेकेंड। और ये टाइप जो है भाई इससे ब्लास्ट टाइप को फ़र्क पड़ेगा लेकिन मैंने फिर भी बता दी। ओके ओके और यहाँ पे आर्टिफैक्ट 3 स्टार का और TOK कस्टम गेट ये क्या बोलते हैं CTP ऑफ एनर्जी 200 फ्रॉक के साथ, ठीक है ये इसका बिल्ड था। हाँ चलो एनमैन का भी बिल्ड दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा जल्दी क्लियर किया था, लेकिन एंटमैन तो एक Tier 3 है, ये तो Tier 4 है। ओके सेम टू सेम भाई स्किल बढ़िया, आई स्वेट बढ़िया, आर्टिफैक्ट और माइटी एनर्जी है तो समझ सकते हो 200 का फ्रॉक तो Tier 4 है। और यहाँ हल्क थैनोस की बिल्ड तो ये खुद के लीडरशिप के लिए है, सूरी सपोर्ट के लिए। एंड मैंने हल्क को सिर्फ ऐसे ही लगा के रखा था, मैं सोचा एक सपोर्ट के साथ खेल के देखता हूँ एंड एक सपोर्ट के साथ भाई क्लियर किया थैनोस। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था अकेला। ओके
सेम टू सेम भाई दो अटैक करूँ फिजिकल अटैक के सब में, और एंड मैन को एनर्जी अटैक करूँ भाई हर बार बोला एनर्जी को एनर्जी एंड फिजिकल को फिजिकल अटैक के। स्किल 6 लेवल टाइप, वही टाइप से भी इसमें शायद मतलब नहीं, यूनिवर्सल टाइप के इसका आया नहीं तो टाइप का मतलब नहीं इसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आई स्वेट फुल अवेकन ओवरड्राइव वाला, ओके आर्टिफैक्ट 3 स्टार कस्टम ग्रिड में देखो यहाँ पे मैंने ऑब्लिक्स क्लियर किया। देख देखिए ऑब्लिक्स 200% फ्रॉग वाला मैंने ऑब्लिक्स क्लियर करना कि सीटीपी एंड मैन के पास सीटीपी है और अपने आयरन मैन के पास सीटीपी है, लेकिन भाई इसके पास ऑब्लिक्स है एंड ऑब्लिक्स से मैंने क्लियर कर लिए। जैसे आप देखें एंड मटेरियल की बात करें ओके, और आयरन मैन की लीडरशिप के लिए ये सपोर्ट के लिए ये आपको पता ही होगा। मटेरियल की बात करें देखो मटेरियल में ना 5-10% इंक्रीज तो हुआ है ओके, अब आए ना लाइन पे इंक्रीज हुआ है। TCP 30 से नीचे नहीं आ रही, 39 आ रही है और कभी 34 आ रही है, और EOD भी सेम टू सेम 39-34 तक आ रही है, तो भाई थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ ये कह सकते हैं। लेकिन क्या इसको नए प्लेयर्स को मतलब इतना एक्साइटेड होना चाहिए? मतलब CTP के रेट देखो अगर हाई स्टेज खेलते तो प्रो प्लेयर के लिए भाई बहुत बढ़िया है। मटेरियल थोड़े ज़्यादा मैं बोला 5-10% थोड़ा इंक्रीज हुए तो है ना, तो ये खेल सकते हैं। लेकिन ये कब ज़्यादा खेलना ज़रूरी होगा पता हूँ, जब इसका कैरेक्टर आएगा तब। आप दोना कैंग का कैरेक्टर इन गेम कभी भी आएगा, मतलब 1-2-3 महीना कभी भी आएगा तब इसका कैरेक्टर की बायोमेट्रिक्स हमको यहाँ देखने को मिल सकती है शायद इससे ओके, शायद इससे मैं बोल रहा हूँ इसकी बायोमेट्रिक्स हमको यहाँ देखने को मिले। 10 बायोमेट्रिक्स हमको कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, जैसे को और के कलेक्ट करना पड़ता है सेम टू सेम कैंग की, एंड फिर हमको इसको क्लियर करना ज़रूरी हो जाएगा। एंड मैंने सब बता दिया कैसे क्लियर करना है। कार्ड इफेक्ट दिखाना भूल जाता हूँ हरदम कार्ड मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कार्ड इफेक्ट लास्ट में दिखा रहा हूँ, तो कार्ड इफेक्ट 10% PS ओके, और मेरे ख्याल से भाई 8% PS में क्लियर हो जाना चाहिए टीयर 4 कैरेक्टर के साथ, नहीं तो 10% PS में तो मेरा थैनोस है और एंट मैन है वो सब क्लियर कर दे रहे हैं, और बाकी के इफेक्ट कूल डाउन मैक्स HP ऑल बेसिक फिजिकल ये सब आप देख लो कितने परसेंट पे। तो बस आज के लिए इतना ही था, एंड कुछ सवाल है कुछ जॉब तो बता देना, एंड एक चीज़ बता दो भाई पर्पल अटैक से भी बचने हैं किसी भी मतलब गेम में पर्पल अटैक से बचो। एंड यहाँ पे मैं बात तीनों डायमेंशन के बारे में बता दिया, पहला तो भाई स्कारलेट विच के डायमेंशन में जाते हैं वो बता दिया, एंड ये एपोकलिप्स के डायमेंशन में जाता है, एगोनी माउंट के डायमेंशन में जाता है, सबका मैंने बता दिया ओके। तो कैंग को पर्पल अटैक से बचना है, कोई सा भी कैरेक्टर हो भाई कोई सा भी ऐसे पर्पल अटैक जब वो करे तब बचो, एंड कैंग जब ऊपर जाए कैंग की बात करूँ कैंग थोड़ा जब ऊपर जाता है तब वो लाल अटैक जब सर्कल बनाते तब उससे बचना, जब तक पर्पल अटैक ना करे तब आप अटैक मत करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी।